दोस्तों, आपको गोपाला जी का नमन। वास्तु शास्त्र में अगर जाते हैं, कुछ नियम है वहां पे, और वो नियम है जो लगभग आज के जमाने में इतने कॉमन है कि सब जानते हैं, मगर उसको उसका एप्लीकेशन, प्रॉपर एप्लीकेशन उसका, वो थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है, क्योंकि उसके लिए अगर जाएंगे तो एमेच्योर व्यक्ति का काम नहीं है। उसके लिए फिर एक्सपर्टाइज चाहिए, उसके लिए फिर पंडित चाहिए। रंगों से वास्तुशास्त्र में बहुत सारे सुधार करे जाते हैं। देखिए, ये वो नियम हैं जो अगर कंस्ट्रक्शन हो गया तो उसके बाद काम आते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है तब तो बहुत सारी चीजें हैं, उसकी भूमि से लेके, पाइप फाउंडेशन से लेके, सॉइल टेस्टिंग से लेके, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से लेके, उसका स्ट्रक्चर से लेके, उसके डिजाइन से लेके, उसमें एफिशिएंसी बिल्डिंग को देख के, उसमें जियोटेक्निकल चीजें देख के, उसमें फायर रिटार्डेशन के चीजें अपना के, बहुत सारी चीजें, तब जाके एक परफेक्ट भवन बनता है वास्तु नियमों के अनुकूल। मगर अगर कंस्ट्रक्शन जहां हो गया तो फिर वहां पे कुछ ऐसे नियम है कि जो उनमें वास्तु दोषों को सुधार करने में मदद मिलती है। उनमें देखिए, रंगों का बहुत महत्व है। रंगों से लयबद्धता लाई जाती है, एक हारमोनी पैदा करी जाती है, और वास्तुजनित दोषों को दूर किया जाता है। ये सामान्य सा सब जानते हैं। अब ये तो देखिए बड़ा कॉमन सा है कि जो रंग है, जो कलर्स हैं, इससे भवन में क्या किया जाता है, भवन के जो भ्रामक प्रभाव बना के भवन में, कहीं किसी दीवार को छोटा दिखाना है, किसी दीवार को बड़ा दिखाना है, छत को ऊपर दिखाना है, छत का गेटअप बेटर बनाना है, या साइड वॉल का गेटअप बनाना है, या फ्रंट वॉल का गेटअप बढ़िया बनाना है, तो ये सारे भ्रामक रंगों के भ्रामक कॉम्बिनेशन से उनका इफेक्ट देके ये सारे सारे प्रभाव पैदा किए जाते हैं। ये भी जानते हैं देखिए कि जो वातावरण को मनचाहे तरीके से ठंडा करना, वातावरण को मनचाहे तरीके से गर्म करना, ये सारी चीजें भी वास्तु दोष शांत करने के लिए रंगों के माध्यम से करे जाते हैं। ये सब देखिए चीजें उपलब्ध हैं, मैंने बताया ना कि बहुत कॉमनली उपलब्ध हैं। भवन के बाहर को देखिए अगर आप, तो बाहर के नियम हैं कि पहले तो वास्तुशास्त्री तय करता है कि भवन की डायरेक्शन क्या है, भवन की वॉल का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, किस वॉल में कौन सा रंग करना है, किस वॉल में कौन सा रंग किस व्यक्ति के अनुरूप करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये नियम मैंने बताया ना कि हर नियम, ये जरूरी नहीं कि हर एक के लिए फिट बैठे। मेडिसिन की तरह, जैसे एक मेडिसिन होती है ना, एक को इफेक्ट करती है, एक के लिए कुछ भी नहीं करती, एक को रिएक्शन करती है, एक को मार देती है, तो वही नियम है ये वाले। जरूरी नहीं कि हर एक पे फिट बैठे, मगर मैंने कहा ना बहुत ही सामान्य से नियम। फिर इनमें जितना भी आप पेनिट्रेट करेंगे, इसमें जितना भी आप पांडित्य हासिल करेंगे, फिर उतने आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे। बड़ा सीधा सा सिद्धांत है भवन का। जैसे मैं मोटे मोटे बताता हूँ आपको कि भवन का जनरली कहते हैं जो ईस्टर्न पार्ट है भवन का, वो व्हाइट कलर का रखा जाता है। जो वेस्टर्न पार्ट है, जो वेस्टर्न वॉल है, ये नीले रंग की, नीले रंग का कुछ भी, नीले रंग का हल्का नीला रंग हो, गाढ़ा नीला रंग हो। जो नॉर्दर्न वॉल है भवन की, वो ग्रीन कलर की अच्छी शुभ रहती है। सदर्न पार्ट जो भवन का है, उसको लाल भी रखते हैं, उसको गुलाबी भी रखते हैं, उसको कथई भी रखते हैं। साउथ ईस्टर्न पार्ट, ये मटमैला रंग का रखा जाता है। साउथ वेस्ट पार्ट, ये ग्रीन कलर का। नॉर्थ ईस्ट पार्ट भवन का, ये येलोइश कलर का। और नॉर्थ वेस्ट पार्ट भवन का, ये वाइट कलर का। तो ये एक सामान्य सा नियम, इसके अनुरूप रंगों का चुनाव किया जाता है, और रंगों को अलग अलग टोन्स में, है ना, अपने जो मन भाए अपने, उन टोन्स में, उन कलर से, इन वॉलों पे डिस्टेम्पर है, स्नोसम है, पेंटिंग है, जो भी है, वो सब करे जाते। देखिए, ये जो नियम बने हैं ये वाले, ये ऐसे ही नहीं बने, है ना। ये इनको जो, अगर आप पुराने ट्रिटाइज में जाएंगे, मयमत में जाएंगे, मानसार में जाएंगे, समरंगण सूत्रधार में जाएंगे, या कौटिल्य के वास्तुशास्त्र में जाएंगे, तब समझ में आएगा कि ये प्राचीन विधा है, और इसको करते करते, दोहन करते करते, दोहन करते करते, फिर इसका ये रूप बना दिया, इसको फैशन बना दिया। फैशन नहीं है दोस्तों, ये
अगर आप पहले गांव देखिए, जो गांव बसते थे, सभ्यताएं देखिए, गांव छोड़िए सभ्यताएं देखिए, है ना, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो आपके आपकी सुमेरों की सभ्यता हो, कहीं ना कहीं उनमें वास्तु दोष दोषों को निवारण के लिए परफेक्ट वास्तुशास्त्र के नियम अप्लाई करे जाते थे। तो इसका मतलब आज की नहीं है, सुमेरियों की सभ्यता 25,000 वर्ष पुरानी सभ्यता है ये, तो इसका मतलब ये तब से चलता था ये वाला। पिरामिड्स देख लीजिए, जिनको 5,000 वर्ष पुराना मानते हैं, वास्तुशास्त्र का एक यूनिक उदाहरण। देखिए, जो ब्रह्मांड के 7 लोकों की तरह, ब्रह्मांड में 7 लोक माने गए हैं, हमारे मनुष्य के शरीर में भी 7 तत्व कार्यरत हैं, 7 जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो एक्टिवेटेड हैं ऑल द टाइम 24 आवर्स। उसमें फिजिकल है, उसमें मेंटल है, उसमें एस्ट्रल है, उसमें बौद्धिक है, उसमें निर्वाणिक है, उसमें परानिर्वाणिक है, उसमें महापरानिर्वाणिक है। तो ये चीज़ें और 7 रंगों के प्रकंपन, जो हमारे 7 पदार्थ हैं, ठोस द्रव गैस पदार्थों की, इनकी 4 अवस्थाएं जो हैं वो ईथर के ही कारण हैं। और वास्तव में जो इन्हीं से ही ग्रहों का, नक्षत्रों का निर्माण हुआ है, और इन्हीं से ही मनुष्यों की मना स्थिति, मनुष्यों की जो इनर जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, वो इनका संचालन हुआ है और हो रहा है, होता रहता है। जो हमारे सूर्य के 7 रंग हैं, विभ्योर जिसको बोलते हैं, सूर्य के 7 रंगों की तरह ग्रहों के भी 7 रंग हैं, सब जानते हैं। और जिन्हें वास्तुविद भवन के निर्माण के समय उनको अनुकूल कर्म देके, उनको अनुकूल दिशा देके, उनको अनुकूल रंग रूप देके, वास्तु नियमों का पालन करते हुए दोषों का क्षमन करवाते हैं, दोषों को दूर करवाते हैं। अब देखिए, ये अलग बात, मैंने कहा कि ये कितना सफल हो रहा है, कितना असफल हो रहा है, ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट चीज है। इनमें फिर वही हम भाग पे आएंगे, हम फिर अपने पुरुषार्थ पे आएंगे, फिर अपने कर्म पे आएंगे, तो वो सब चीजें फिर अलग हो जाती हैं। तो देखिए, ये तो मैं बार बार मैं बता रहा हूँ कि जो आंतरिक सज्जा, एक तो हमारा एक सज्जाकार स्वरूप हो गया, है ना, आंतरिक सज्जाकार रूप हो गया, मगर इसका जो दूसरा उद्देश्य है कि वास्तु के नियमों को हालातों से, एनवायरमेंट से, कंडीशन से, फिजिकल सिचुएशन से, व्यक्ति की मना स्थिति से, व्यक्ति के जन्मपत्री के अकॉर्डिंगली तारतम्य बिठा कर कैसे बेटर बनाया जाए, कि उसको कैसे बेस्ट फिट इन किया जाए, कि उसको सौभाग्य की, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो उसको। तो वो फिर देखिए वही कि हम जैसे भवन का हमने वॉल चुनी, फिर भवनों का अलग अलग पार्ट, जैसे अगर मान लीजिए घर के अंदर इनर घर के हैं, उनके भी फिर वास्तु नियम हैं। जैसे जनरली जो हमारी एंट्री है घर के, हमारी जैसे जापान में आप जानते हैं कि घर का मानते हैं कि जो प्रवेश है वो शुभ होना चाहिए, एंट्री शुभ होनी चाहिए घर की, है ना, घर में व्यक्ति का, आगंतुक का, घर में किसी अतिथि का आते ही मन प्रफुल्लित हो जाना चाहिए, ऐसा घर की एंट्री होनी चाहिए। तो वो वास्तु नियमों के अनुसार रंगों से भ्रामक प्रभाव देके और बहुत सारे नियमों से उनको दूर किया जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंगली भवन का जो प्रवेश द्वार है, रंगों का भी चयन उसी के अकॉर्डिंगली किया जाता है। जैसे भवन का जो इसका जो हमारा प्रारंभ है, जहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे सफेद रंग का रखा जाता है, हल्का नीला रंग का रखा जाता है, हरा रंग रखा जाता है, ये रंग प्रवेश द्वार के लिए बहुत ही शुभ माने गए हैं। किचन, फिर घर का जो हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट एक प्लेस है, इसको सफेद रंग का माना गया है कि सफेद रंग इसमें सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा इफेक्ट देता है। और यहाँ पे अवॉइड किया जाता है लाल रंग, चटक रंग, इनको अवॉइड करते हैं, ये रंग नहीं देते। जो न्यूली वेडेड कपल्स हैं घर के, उनके लिए कमरों का जो रंग है वो हल्का येलोइश, पीले रंग का, पीलापन लिए हुए। ये पीलापन क्या है, ये परस्पर स्नेह बन पाता है, ये अगर इस हमारे इनके कमरों में, नवविवाहित जोड़े के कमरों में अगर येलोइश कलर होगा तो इनमें परस्पर स्नेह पनपेगा। जो बच्चों के कमरे हैं, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे जहाँ सोते हैं, बच्चे जहाँ रहते हैं, वो गुलाबी रंग का, क्रीम कलर का बेस्ट कलर माना गया है वहाँ के लिए। जो हमारे डाइनिंग हॉल है, खाने का, किचन से अलग, अगर किचन में ही कॉमन बहुत सारे होते हैं तो फिर जो वो पर्टिकुलर पोर्शन है उसको ग्रीन कलर, हरे रंग में, या
ब्लूइश टिंच देके इसको सजाया जाता है, जो हमारा पूजा ग्रह है। घर का एक और इम्पॉर्टेंट प्लेस हमारा, यहाँ पे पीला पन लिए हुए हल्के येलोइश कलर यहाँ बहुत अच्छा होता है। ये देखिए रंग, रंगों का प्रभाव हमारी मना स्थिति पे पड़ता है, ये सत्य है। देखिए ऐसा नहीं है कि रंग ऐसे ही बनाए गए हैं। अगर अगर आप देखें कि रंगों में, अगर जो नव रंगों में जाते हैं, जैसे नवरस हैं, ऐसे ही नव रंग हैं, तो नव रंग का जो इनका हमारा अनुरूप, इनके अनुरूप व्यक्ति की मना स्थिति चेंज होती है, इनके अनुरूप व्यक्ति के मनोभाव पैदा होते हैं। इन रंगों से व्यक्ति के मनोभाव को ट्रीट किया जाता है। मेडिकल साइंस में भी इन रंगों का प्रभाव देखा गया है, बहुत सारे रोग ठीक होते हैं। इसका मैं अलग से ऑडियो दे रहा हूँ आपको। जैसे हमारे जैसे रंगों के आप देखिए कि डिफरेंट कलर्स में श्रृंगार के लिए, जहाँ पे एरोटिका आता है वहां पे श्याम रंग माना गया है, हास्य के लिए, लाफ्टर के लिए श्वेत रंग, सफेद रंग का इंडिकेट करता है, करुणा जहां पैथेटिक मनोभाव व्यक्ति के होते हैं वहां मटमैला रंग प्रयोग देखा जाता है, जहां पे लाल रंग देखते हैं तो रौद्रता का प्रतीक है, ये जो लाल नीले रंग है ये वीरता के प्रतीक है, हीरोइटिक माने गए हैं, विभस जहां पे रिपल्सिव मनोस्थिति, मनस्थिति जहां देखी जाती है तो वहां देखा जाता है नीला रंग बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। जो दैविक चीजें हैं, येलोइश टिंच के कलर्स वहां पे बहुत इफेक्टिव होते हैं, और ये सुपरनेचुरल चीजें हैं। अगर सुपरनेचुरल चीजों में जाते हैं, अकल्ट में जाते हैं, गुहे विधाओं में जाते हैं, तो येलोइश कलर के कमरे में बैठ के साधनाएं करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, गुणन मनन करेंगे, तो आपका ये दैवी प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रेम, लव, अफेक्शन, ये गुलाबी रंग इसके लिए बहुत शुभ माना गया है। जो इमोशन है, जो सेंटिमेंट्स है, भगवा कलर से इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों ये मैंने बताया ना कि बहुत फिर लंबे विषय होते चले जाएंगे। ये मेरी मैंने एक किताब लिखी थी, स्वयं चुनिए अपना भाग्यशाली स्टोन, तो उसमें रंगों का एक पूरा चैप्टर डिटेल्स में दिया था। इसलिए दिया था कि रंगों को अगर प्रॉपर कलर हमारे मिल जाए, हमें प्रॉपर कलर अगर मिल जाए तो हमारे शरीर के जितनी हमारे दोष हैं, बहुत सारे दोषों का क्षमन हो सकता है, प्रोवाइडेड वो रंग हम चूज कर लें अपने लिए। क्योंकि वो कलर जो डिफिशियंसी है हमारे कलर में, वो कलर हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज होंगे, वो उन कलर्स का हमारे अंदर फ्यूजन होगा, वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो स्टोन के माध्यम से हो, चाहे कपड़ों के माध्यम से हो, चाहे कमरों में रंगों के माध्यम से हो। तो यहाँ तो हमने उद्देश्य हमारा ये था ना कि भवन को हम किन रंगों से। तो दोस्तों ये रंगों का एक छोटा सा क्लिप, अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब करें दोस्तों। Thanks for hearing Gopalaji.